রাজ্যের মহিলাদের ওপর ক্রমাগত অত্যাচার এবং আর্জি করে নির্যাতিতার বিচারের দাবিতে ভারতীয় জনতা পার্টি শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলার পক্ষ থেকে আজ শহর শিলিগুড়িতে ধর্ণা এবং অবস্থান বিক্ষোভ কর্মসূচি হয়েছে। নমস্কার, বিগ নিউজে আপনাদের স্বাগত। আমি এই মুহূর্তে উপস্থিত হয়েছি শহর শিলিগুড়ির প্রাণকেন্দ্র হাসনো চকে, যেখানে ইতিমধ্যে বিজেপির পক্ষ থেকে ধর্ণা এবং অবস্থান বিক্ষোভ কর্মসূচি চলছে। চলুন আপনাদের সামনে তুলে ধরবো বিস্তারিত চিত্র। রাজ্য জুড়ে বারংবার উঠে আসছে নারী নির্যাতনের ঘটনা। সত্য ঘটে যাওয়া কলকাতার বুকে আর্জি করে ডাক্তার ছাত্রী নির্মম হত্যা ও ধর্ষণের প্রতিবাদে সরব গোটা দেশ। তারপর নারী নির্যাতন যেন থামার নাম নেই বাংলায়। মঙ্গলবার এইসবের প্রতিবাদে শহর শিলিগুড়ির সফদর হাসমি চকে ধর্ণা অবস্থান বিক্ষোভে সরব হয় ভারতীয় জনতা পার্টির শিলিগুড়ির সাংগঠনিক জেলা। এদিন বেলা 12টা থেকে বিকেল 4টে পর্যন্ত কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়, যার মধ্যে দিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ, কলকাতায় পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েলের পদত্যাগ সহ রাজ্যে ঘটে চলা নারী নির্যাতনের যে বর্বরতা তার বিরুদ্ধে আওয়াজ তোলা হয়। এছাড়াও এদিন এই ধর্ণা অবস্থান বিক্ষোভে উপস্থিত ছিলেন দার্জিলিং জেলার সাংসদ রাজু বেস্তা, মাটিকাড়া নকশালবাড়ি বিজেপি বিধায়ক আনন্দময় বর্মন, বিজেপির শিলিগুড়ির সাংগঠনিক জেলা সভাপতি অরুণ মণ্ডল এবং শিলিগুড়ি পৌর নিগমের বিরোধী কাউন্সিলর অমিত জৈন সহ বিজেপির শিলিগুড়ির সাংগঠনিক জেলার অন্যান্য কার্যকর্তারা। पिछले एक महीने से लगातार पश्चिम बंगाल में और पूरे देश में जिस बेटी के साथ अन्याय हुआ, अत्याचार हुआ, उसको न्याय मिले, इसीलिए पूरा पश्चिम बंगाल ही नहीं पूरा देश आज उस परिवार के साथ खड़ा है। मेरी उस परिवार के प्रति संवेदनाएं हैं। और एक बात पक्की है और तय है, जब तक उस मीडिया के परिवार को न्याय नहीं मिलेगा, एक जिम्मेदार राजनीतिक दल होने के नाते भारतीय जनता पार्टी हर दिन हर समय हर क्षण जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक संघर्ष करता रहेगा। और जो घटना घटी है उसने सिर्फ पश्चिम बंगाल को नहीं बल्कि पूरे मानव जाति को शर्मसार किया है। और जो घटना घटी है उसके लिए ममता बनर्जी जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है वो सबसे बड़ी अपराधी और सबसे बड़ी जिम्मेदार है। जो आरजी करके घटना है ये पूरे मानव जाति को शर्मसार करती है और आज पूरे पश्चिम बंगाल की जनता सड़क पे है। कारण एक ही है, उस परिवार को न्याय मिले, सच जनता के समक्ष आए और पश्चिम बंगाल की जनता को न्याय मिले। आज आजीकर अस्पताल की घटना को लेकर के भारतीय जनता पार्टी मात्र सड़क पे नहीं है, ये मूवमेंट भारतीय जनता पार्टी नहीं चला रही है, ये मूवमेंट आज पश्चिम बंगाल की 10 करोड़ जनता का है। और एक जिम्मेदार पार्टी होने के नाते ये हमारा फर्ज बनता है कि जनता की आवाज बने, उस परिवार की आवाज बने, वो धर्म हम निभा रहे हैं। और जो घटना घटी उसके लिए जो अपराधी है सिर्फ वो मात्र जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जिम्मेदार है, वो भी उतने ही बड़े अपराधी है जितना बड़ा अपराध उनके माध्यम से हुआ, भगवान कभी उनको माफ नहीं कर सकता। आज पश्चिम बंगाल की मुखिया ममता बनर्जी है, पश्चिम बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी है, पश्चिम बंगाल की होम मिनिस्ट्री ममता बनर्जी के पास है, पश्चिम बंगाल का पुलिस ममता बनर्जी के पास है, यहाँ तक कि पश्चिम बंगाल का स्वास्थ्य विभाग हेल्थ मिनिस्ट्री ममता बनर्जी के पास है। और आपके स्वास्थ्य विभाग में ऐसी घटना और लगातार ऐसी घटना घटती है, इसके लिए सबसे बड़ी अपराध मुख्यमंत्री। इसलिए मैं मांग करता हूँ, हम सबकी ये इच्छा है कि जो सीबीआई जांच कर रही है सिर्फ अस्पताल और प्रिंसिपल तक सीमित नहीं हो, ममता बनर्जी की भी जांच होनी चाहिए। उनकी इसमें भूमिका क्या है और साफ पता चलता है टीएमसी मिले हुए, मुख्यमंत्री ममता दीदी का पूरा इसके अंदर में इन्वॉल्वमेंट है। अगर नहीं होता तो आज तक उस अभी तक उस अपराधी को
गोली ठोक करके मार दिया होता, लेकिन आज उस अपराधी को बचाया जा रहा है। आपने जो है 24 घंटे में मात्र 27 मिनट का वीडियो क्लिप सीबीआई को दिया, आपने जो है क्राइम सीन को डिलीट करने के लिए वहां पे रिनोवेशन के नाम से सब कुछ बर्बाद किया, आपने 8000 गुंडों को भेज करके उस पूरे सीन को आपने डिस्ट्रॉय किया, और इतना ही नहीं आपने उस परिवार के साथ बार बार झूठ बोला, कभी कहा आपकी बेटी के साथ जो है बीमार है आप जल्दी आए, कभी कहा उनका मर्डर हुआ है, सच आपने नहीं बताया, आपने छुपा के रखा, और इतना ही नहीं आपने उस परिवार को पैसे देकर मामले को रफा दफा करने की भी चेष्टा की, और आपने बार बार क्राइम किया है क्राइम को बचाने के लिए। इसीलिए भारत में कानून सबके लिए समान है और समान होना भी चाहिए, जितना वो अपराधी दोषी है, जितना वो प्रिंसिपल दोषी है, उतना ही दोषी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। आपको क्या लगता है कि सीबीआई के पास जांच डिले हो रही है क्योंकि डिस्ट्रॉय किया गया एविडेंस है, ऐसा कुछ? देखिए वो तो ऐसा है, देखिए ये जांच एजेंसी का काम है, पूरी तरह मतलब क्राइम सीन को बर्बाद कर दिया गया, जो भी सबूत थे उसको नष्ट कर दिया गया, पुलिस ने अपना काम नहीं किया, पहले पोस्टमार्टम होता है फिर उसके बाद एफआईआर होता है, ये तो स्वयं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। इससे साफ पता चलता है कि टीएमसी और ममता बनर्जी ने अपराधी को बचाने की चेष्टा की। गोटा राज्य जुड़े जो आंदोलन गत एक मास धरे चलते, आरजी करेर जो डाक्टर बनटी के धर्षण करे खून करा हुए छे, एवं शुधुमात्र सेई घटनाटी नय तारपरेओ এবং আগেও এই বাংলা জুড়ে প্রত্যেক দিন কোনো না কোনো মা বোনেদের উপর এই ধরনের নির্মম অত্যাচার নির্যাতন সেগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি। আমরা চাই এই যে আরজি করের ঘটনার যে একটা বড় র্যাকেট এবং বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতির উঠে আসছে, তাতে এবং পুলিশ মন্ত্রী হিসেবে এবং মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে, মুখ্যমন্ত্রী ঢাকার আর কোনো অধিকার মমতা ব্যানার্জির নেই, আমাদের একটাই দাবি, এক দফা দাবি, সেটা মুখ্যমন্ত্রীকে বাজার করতে হবে, তাহলেই বাংলার মা বোনেদের সুরক্ষা সুনিশ্চিত হবে, এবং সেজন্য যতদিন না পর্যন্ত আমাদের এই দাবি পূরণ হচ্ছে আমাদের এই আন্দোলন লাগাতার চলতে থাকবে। ধন্যবাদ।